रुड़की रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें 21 मई को लक्सर, नजीबाबाद, देहरादून, रुड़की, ऋषिकेश, हरिद्वार रेलवे स्टेशन समेत कई रेलवे स्टेशनों के अलावा हरिद्वार और अन्य धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पत्र भेजने वाले ने खुद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बताया है। बताया गया है कि पत्र में टारगेट पर उत्तराखंड के सीएम का नाम है। पत्र मिलने से हरिद्वार से नजीबाबाद तक खलबली मच गई है। पत्र भेजने वाले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। साथ ही उत्तराखंड और यूपी के रेलवे स्टेशनों पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। देखिए, इस समय चारधाम यात्रा भी चल रही है और हमारी फोर्स लगातार मुस्तैद है। जगह जगह हमारी ड्यूटी भी लगी हुई है। आज हर की पैड़ी पे भी ड्यूटी परमानेंट लगी रहती है, वहाँ पे पीएससी भी रहती है और फोर्स पर्याप्त तैनात रहती है। तो और हमारी बीडीएस की टीम भी लगातार चेकिंग वगैरह करती रहती है। हम लोग सतर्क दृष्टि बनाए हुए हैं। देखिए, हम लोग नॉर्मल डेज में भी अलर्ट मोड पे रहते हैं, हमारी लगातार चेकिंग होती रहती है। एक रैंडम चेकिंग भी हम लोग करते हैं और इसके अलावा बीडीएस की टीम भी उसको चेक करती रहती है। तो हर एक दिन को हम लोग बहुत ही गंभीरता से लेते हैं, हर एक जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको गंभीरता से लेते हैं और सतर्क दृष्टि बनाए रखते हैं। जो कुछ भी हम लोगों का, ये तो इंटरनल मैटर है कि कैसे जाँच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की बात है, सुरक्षा में हम लोग किसी तरह की कोई चूक नहीं रखते हैं। नॉर्मल डेज में भी हम लोग जैसा बताया कि चेकिंग करते रहते हैं और हमारी बीडीएस की लोकल टीम और इंटेलिजेंस हमेशा अलर्ट मोड पर रहती है।